गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, 12 सितंबर है आज, और 12 सितंबर से हमारा इंग्लिश का कंप्लीट इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बैच शुरू होना था, जो कि हो गया है ना। इसके फटाफट आ जाइए। सब ठीक है? एम आई ऑडिबल? मीन सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो? एक बार सबसे पहले आपका पहला जो फर्ज बनता है वो ये है कि जब मैं आऊँ तो मुझे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, अगर एवरीथिंग इज ओके, प्लीज प्लीज सेंड मी थम्स अप फॉर डैट। इज एवरीथिंग ओके? कैसे हैं युवराज? लोटा ग्लास वाले भाई साहब तो आए ही होंगे, बिना देखे बता सकती हूँ मैं वैसे तो। हाँ, सौरभ, अमित, प्रतिभा, संजना, नंद किशोर, युवराज, रुतिमा, साक्षी, आशीष एंड ऑल, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट सेशन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद खुद का भला करें, दूसरों को भी भला कर दिया करें। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उनके लिए भी अच्छा है ना। अपने अच्छे फ्रेंड्स वगैरह को, अगर आप पढ़ाई करते हैं और आपको लगता है कि कोई जेन्युइन कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है, तो आप उसको शेयर करना आपका फर्ज बनता है, और वो करना चाहिए, वो आपकी सोशल ड्यूटी भी और मेरी तरफ से भी ये ड्यूटी है ना। हाँ जी, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। खैर, वैसे तो आप मुझसे पढ़ते ही हैं यूट्यूब पे, मे बी कुछ स्टूडेंट नए हैं। नए हैं क्या मक्खन सिंह जी? नए हैं क्या? आपका नाम बड़ा नया नया सा है, मक्खन सिंह जी, जैसे लोटा ग्लास वाले भाई साहब, ऐसे मक्खन सिंह जी। एक ये कृष्णा जी, आई सेइंग मी हैप्पी बर्थडे, रोज मेरे हैप्पी बर्थडे मना लेते हो क्या तुम? डेली हैप्पी बर्थडे? हाँ जी, हमारा नाम भी ले लो। हाँ, किसी का नाम वाम नहीं, पढ़ाई करो। देखो, सबसे पहले समझते हैं कुछ चीज़ें इंग्लिश में। बेसिकली इस बैच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी, क्योंकि बच्चों के सवाल रहते हैं कि बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन बैच को ले सकते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने टाइम का रहने वाला है एंड ऑल। देखिए, 12 सितंबर से कंप्लीट इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है। तीन चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। अब थोड़ा सा डाउट और हमारे पास क्वेरी जनरेट हो रही है आप लोगों की कॉलिंग से, कि क्या इसके अंदर वोकैबुलरी, पहले ग्रामर पढ़ाई जाएगी फिर वोकैबुलरी, या फिर पहले वोकैबुलरी फिर ग्रामर, मतलब कैसे चलेगा? इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप। डेली भाई आपकी दो क्लासेस होंगी, वैसे जनरली नहीं चलती हैं, कहीं पर भी शायद नहीं पढ़ाया जाता कि डेली टू क्लासेस हो, पैरेलल शायद ही कोई पढ़ाता हो, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाता होगा। यही क्वारी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की हमारे पास रहती है कि पहले ग्रामर इंक्लूड होगी मैम, फिर वोकैबुलरी इंक्लूड होगी। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों ही जो आपके दोनों ही पार्ट हैं, आपका ग्रामर और वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन, दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्या कई बार क्या होता है कि बच्चा 4-5 महीने तक ग्रामर सीखा, उसके बाद पता लगा कि नंबर तो अभी भी 50 में से 25 ही 30 आ रहे हैं, यार बढ़ क्यों नहीं रहे, बढ़ क्यों नहीं रहे। उसके रीजन है उसके पीछे कि वो वोकैबुलरी को थोड़ा हल्के में ले रहा है ना, जिसमें कि हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। सेकेंड थिंग, वो अपने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को हल्के में ले रहा है, रीडिंग की तो हैबिट है नहीं, क्या पता हम कैसा स्कूलिंग रहा है एंड ऑल, इंग्लिश से भागते आए हैं, डरते आए हैं, तो इस सेक्शन में हम वीक। तो मेरे ना दोनों क्लासेस पैरेलल चलेंगी, मीन्स आपकी डेली दो क्लास होनी है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपका 4 मंथ्स, वैसे तो अगर कहें इस कोर्स को अलग अलग चलाएं तो 8 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं, पर मैं इसको 4 मंथ्स में कंप्लीट करती हूँ। उसका रीजन ये नहीं कि कम पढ़ाया जाता, उसका रीजन है कि डेली आपकी दोनों क्लासेस चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, मींस ग्रामर भी चलती है, वोकैबुलरी भी चलती है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, वैलिडिटी, व्यूज, आपको लाइव के साथ साथ आपको जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड भी रहेंगी, मींस हमारी जो एप्लीकेशन है ओशन गुरुकुल्स, उम्मीद करती हूँ कि वो सबने डाउनलोड तो कर ही रखी होगी, है ना, कर रखी है ओशन गुरुकुल्स, उसको आप डाउनलोड करके वहां से आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों ही फॉर्मेशन में ये बात रहेगा। और आपका वीकली सैटरडे को हम टेस्ट और प्रैक्टिस रखते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कई बार हम थ्योरेटिकल चीजें कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं पर उसका प्रैक्टिस नहीं करते तो आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम में ये कोई नहीं पूछने वाला नाउन के टाइप क्या होते हैं, प्रोनाउन के टाइप क्या होते हैं, एडजेक्टिव कहाँ लगता है, ऐसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने नहीं वाले। डेफिनेटली आपके प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसका प्रैक्टिस बहुत नीड है। ठीक है, उसका टेस्ट वगैरह आपका एप्लीकेशन में ही हुआ करेगा, अगर आपने नहीं किए तो हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और थोड़ी सी बात कि सिलेबस क्या रहेगा, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है,
और मैं इसको वीडियो का बनाने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उन सबको, उन सब की फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले जो पेड हैं ऑब्वियसली पेड स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास है, तो मैंने कहा उसमें क्या क्या करेंगे हम, ग्रामर करेंगे, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों सेक्शन रहेंगे। आप देखिए ये पूरा सिलेबस हमारा ग्रामर का रहेगा, जिसके अंदर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद हमारा टेंस वाला सेक्शन है, कंडीशनल है, वॉइस है, नरेशन है, वर्ब है, एडवांस वर्ब है, क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो ये सब हम इस बैच के दौरान सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जरूरी है बेसिक्स को पढ़ना। जैसे मैथ्स में आप क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आती तो पॉसिबल नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो आप मैथ्स के क्वेश्चन कर पाए नहीं कर पाएंगे भाई, प्लस माइनस नहीं आया तो कैसे कर पाएंगे। इसी तरह सेम चीज जो आपको बचपन में सीखनी चाहिए थी ना, बेसिक्स, जो कि आपकी इंग्लिश में वीक रह गई, उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो चीजें भी हम चैप्टर वाइज करना है, हमें बेसिक्स को पढ़ना है, उसके बाद हम पूरे सिलेबस की तरफ जाएंगे। वोकैबुलरी का सेक्शन आप जानते हैं, अपने अपने एग्जाम का, मैं कोई फोकस्ड ऐसा नहीं कहूंगी दिस इज ओनली फॉर एसएससी, प्लीज इसे बैंकिंग वाले मत लीजिएगा या फिर कोई स्टेट एग्जाम है वो मत लीजिएगा, भाई कोई भी ले सकता है जिसका सिलेबस ये हो, अपने अपने सिलेबस को चेक कर लीजिएगा सबसे पहले। इसके अलावा हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जो तीनों हमारे रीडिंग सेक्शन रहते हैं, पीक्यूआरएस, क्लोज एंड पासेज, ये तीनों सेक्शन इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्लियर यहां तक बात। एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में चेक कर लीजिएगा, ले लिया, क्लियर। अरे यार ये थम्स अप भेजोगे तो क्लियर होगा ना, ऐसे कैसे क्लियर होगा मुझे, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, रोकी जी, ठीक है, क्लियर, बढ़िया भाई, सही है, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। सब अपना स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में समझे। चलो अब मैं क्लास की शुरुआत करती हूं कि इंग्लिश किस किस को इंग्लिश पढ़नी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे पढ़नी चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपसे एक सवाल करते हैं, मेरे पास एक आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं बैच की शुरुआत कर रही हूं तो कृपया कंसंट्रेशन से सुनते रहिएगा मुझे, ठीक है। जिस तरह मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ, जिस तरह ग्रामर की और क्लासेस मैंने पढ़ाई है, आज की क्लास भी डेफिनेटली ऐसी ही होने वाली है। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक की पूरी क्लास देखेंगे तो आपका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा कि इंग्लिश ऐसी भी बिल्कुल नहीं है जैसी तुम समझते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, दो तरीके के बच्चे होते हैं भाई, है ना, एक तो ऐसे कि मैं इंग्लिश में ठीक हूँ, मैं ना सेंस लगा लेता हूँ, है ना, सीबीएसई बोर्ड से हैं, अच्छे बोर्ड से हैं और वो इंग्लिश में काफ़ी रीडिंग का हैबिट वगैरह, तो कहते हैं मैं ना देख के बता देता हूँ इसमें एरर क्या है, है ना, पहले इंसान। दूसरे जिनकी इंग्लिश वीक है वो कुछ भी नहीं समझते भाई, जो नहीं समझते और जो समझते हैं ना दोनों बराबर हैं ग्रामर में, उसका कारण बताती हूँ आपको। मैंने कहा माई फादर डिडंट लाइक मी गोइंग देयर विद फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिएगा मैम आते ही फर्स्ट क्लास का पहला सवाल ही पूछ लिए हो, आपका सिर्फ दिमाग खोल रहे हैं कि जरूरी क्यों है। मैं हर चीज का क्वेश्चन जानने की जरूर कोशिश करती हूँ कि मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो भाई, क्यों पढ़ लें पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके मन में सवाल आता है, बचपन में टीचर कहा करते थे क्यों पूछो, क्यों पूछना बहुत जरूरी है, ये जो रट्टा मारने की जो तुम्हारी प्रक्रिया है ना, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके बाद प्लूरल आएगी, ऐसा है नॉन ऑफ प्लूरल प्रोनाउन सिंगुलर, तो ये कोई तरीके थोड़े ना होते पढ़ाई करने के, क्यों क्यों पूछना बहुत जरूरी है। मैं कहूँ आइडेंटिफिकेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली आपको सेंटेंस को तोड़कर पढ़ना आना चाहिए, फिर आपको मुझसे सवाल पूछना चाहिए कि मैम क्यों आना चाहिए, उसका कारण है। जब तक आप ये नहीं समझते कि वर्ड है क्या तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। जरा देखिएगा आप में आपको कौन सा सेंटेंस इसमें ठीक नजर आ रहा है, क्या ये वाला सेंटेंस ठीक लग रहा है, माई फादर डिडेंट लाइक मी गोइंग देयर विद फ्रेंड्स, माई फादर डिडेंट लाइक माई गोइंग देयर विद फ्रेंड्स, कौन सा ठीक लग रहा है, माई ठीक रहा है, फर्स्ट ठीक लग रहा है, सेकंड ठीक लग रहा है, बताओ जल्दी। मैम हम्बल रिक्वेस्ट है एनडीए वालों के लिए कुछ करिए भाई, एनडीए सीडीएस एफ किट, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप मेरा पूरा बैच लीजिएगा और उसके बाद बताइए क्या मैंने एनडीए के लिए कुछ नहीं किया, अपना सिलेबस चेक कर लो, आपके सिलेबस में जो मैंने सिलेबस बताया उससे बाहर कोई चीज नहीं है। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एफकेट की, मैं ऑलरेडी इसी बैच में स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, क्लियर। आपने कहा फर्स्ट ठीक लग रहा है,
किसी को फर्स्ट ठीक लग रहा है, किसी को सेकंड ठीक लग रहा है तो दोनों में से एक ही ठीक है ना, दोनों नहीं ठीक हो सकते। किसी को फर्स्ट ठीक लग रहा है, किसी को सेकंड ठीक लग रहा है ना, ये किन को लग रहा है ठीक, पढ़ के बता देते हैं हम तो सेंस। अच्छा भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वैसे मुझे ये नहीं पढ़ाना चाहिए, ये तो हम ठीक है क्लास के दौरान सब कुछ सीखेंगे। मैंने आपसे जनरली कहा कि क्यों है, मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना जरूरी है, क्यों जरूरी है उसका कारण सुनिए। माय फादर डिडंट लाइक मी गोइंग देयर विद फ्रेंड्स, मेरे फादर को मैं पसंद नहीं हूं या मेरा जाना पसंद नहीं है। हिंदी में बताओ यार, हिंदी तो आती है तो हिंदी से शुरुआत करते हैं। मेरे फादर को पसंद नहीं है जाना या मैं, बोलो मैं पसंद नहीं हूं या जाना पसंद नहीं है, बोलो जल्दी। क्या किसी फादर को ऐसा हो सकता है कि वो पसंद ना हो, ऐसा हो भी सकता है पर जनरल थॉट की बात कर रहे हैं कि माय फादर डिडंट लाइक मी, मेरे पिता को मैं पसंद नहीं हूं, क्या उसको वो उसका बेटा ही पसंद नहीं है या उसका जाना पसंद नहीं है, बताओ मुझे। आपने कहा मैम जाना पसंद नहीं है, तो अगर जाना पसंद नहीं है तो बेसिकली मुझे तो ये कहना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हैं कि आपको गोइंग होगा। अब आप में से बहुत सारे तो बोलेंगे गो तो मैम वर्ब होती है, आप कह रही है नाउन है, एग्जैक्टली ये नाउन है, फिर समस्या। मैंने आपसे कह दिया, इसका लॉजिक समझाती हूँ। गोइंग एक जेरंड है जो नाउन की तरह यूज हो रही है, ठीक है, और जब नाउन की तरह यूज हो रही है तो उससे पहले प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर आता है, नाउन से पहले कुछ आ सकता है तो वो एडजेक्टिव आ सकता है। मैंने कहा माई एडजेक्टिव है, अब तुम्हारे दिमाग की घंटियां फिर बजी कि माई एडजेक्टिव कब से होने लगा, हम तो इसे प्रोनाउन समझते थे। मैंने कहा गोइंग यहां पर वर्ब नहीं, पहली घंटी, पहला दिमाग तो यहां खराब हो गया कि मैम ने कह दिया गोइंग यहां पर बेटा वर्ब नहीं है, ये लो। फिर मैम ने दूसरा कह दिया कि ये जो माय है मी नहीं लगाओगे आप, प्रोनाउन नहीं लगा सकते हो, नाउन है ये तो, ओफो इतना खतरनाक काम। फिर मैंने कह दिया कि माय तो एडजेक्टिव है, आप किसी नाउन से पहले उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, फिर दूसरी घंटी बजी, ये लो माय को एडजेक्टिव बता दिया, इतना बड़ा रायता। हाँ इसीलिए तो कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझो, है क्या बेसिकली है क्या, इसको मैं बाद में कराऊंगी, सिर्फ आपको बता रही थी कि जब सेंटेंस में अगर सही सेंटेंस की बात करूं तो ये वाला सेंटेंस ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि गोइंग यहां पर गोइंग आपका वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है जेरंड है जो कि नाउन की तरह यूज हो रहा है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता, किसका किया जाता है एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और रही बात मेरे फादर को मैं नहीं, मेरा जाना पसंद नहीं है, गोइंग पसंद नहीं है भाई, उसको जाना मेरा पसंद नहीं है। बात क्लियर हुई मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं अगर क्लियर नहीं हुई, वैसे भी ये मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, ठीक है, बस ऐसे आपको बता रही हूँ कि क्यों जरूरी है। अगला एक और टेस्ट कर लीजिए अपने आप को, जो ये उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं हम देख के बता देते हैं एरर, मेरा सेंस बहुत अच्छा है, सेंस वेंस कुछ काम नहीं करता। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर सेंस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, आपका सेंस देख के लगा दोगे, कुछ लगा दोगे कुछ हद तक, लेकिन काफी हद तक नहीं लगा पाओगे। देखिएगा इस सेंटेंस में, देखिए आपको क्या ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, आर्स इज द बिगेस्ट हाउस इन द कॉलोनी। टेल मी गाइस, क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है, जिसको लग रहा है वो बता सकता है। विजय सिंह जी, इमरान खान, सही लग रहा है मैम, वोकैबुलरी का गोलू एनडीए, आलितुरी, आशा, सुषमा, कौन ठीक लग रहा है? अरे भाई ठीक लग रहा है तो बताओ मुझे कि ठीक लग रहा है मैम, यस यस और नो कुछ तो बोलो, यस कहो या नो कहो, ये बताओ ये सेंटेंस ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है? गलत लग रहा है, सबको गलत लग रहा है, अरे बाप रे सबको गलत लग रहा है, एक भी पर्सन नहीं जिसको ठीक लग रहा हो। भैया ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? गलत है तो नो लिखो, और आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि 100% 99.99% स्टूडेंट्स एकदम खराब गलत आंसर दे रहे हैं, सही नहीं गलत आंसर दे रहे हो, इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक है। ठीक है तो इस नो को कन्वर्ट कर लो यस में, पहली बात कुछ नहीं आता तुम्हें, अगर इतना सिंपल भी अगर आपने कहा कि मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ कहीं पर या कुछ खुद से पढ़ा हूँ सेल्फ स्टडी करी, तो अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है।
अगर आप इतने सिंपल से एरर को भी कह रहे हैं कि नहीं, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग अभी मेरी क्लास देख रहे हैं, 99.99% लोगों को ग्रामर को बेसिक से सीखने की जरूरत है। अगर आती तो पहला ही वर्ड आपको लगता आर्स, इसमें लग रहा आर्स, ये तो मैम गलत सेंटेंस है, सबको लग रहा है ना आर्स तो गलत सेंटेंस है, ये कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये कैसे शुरू हो रहा है, आर्स इज द बिगेस्ट हाउस, देखने में तो लग रहा है ये बड़ा खराब है, गलत है ना, पर गलत नहीं है सेंटेंस, तो ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आर्स होता क्या है एग्जैक्टली, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या है ये, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है जी हाँ, पजेसिव प्रोनाउन है, तो हमने कहा आर्स का मतलब ही होता आर हाउस, अंडरस्टूड है कि इस आर्स का मतलब है आर हाउस, हाउस आपकी नाउन, आर आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस नाउन ही क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन, ये आपको सीखने की जरूरत है जो कि हम आपको बेसिक्स में सिखाएंगे, ठीक है। अब मैं शुरुआत करती हूँ हमारी क्लास की। सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि जैसे अभी हमने देखा कि हमें पता नहीं है एक्चुअली कि एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है, ये नाउन किस बला का नाम है, प्रोनाउन किस बला का नाम है, वरना तो हम सेंटेंस अभी जो मैंने दिखाया आप ठीक कर देते आपको, लेकिन यही नहीं पता भाई हमारी बॉडी, हमने कहा पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी जिस तरह बॉडी है इसी तरह सेंटेंस भी एक बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर आँख नाक हाथ सब कुछ है, इसी तरह एक सेंटेंस के अंदर एक लैंग्वेज कैसे बनती है, डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होगा, और जब वर्ड्स का ग्रुपिंग होगी तो एक सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस ही हमारा क्या होगा, आदमी होगा, और आदमी के जो पार्ट होंगे आंख नाक होंठ, इसी तरह एक सेंटेंस के भी पार्ट होंगे, पर सेंटेंस के पार्ट इतने आसान नहीं होते कि आंख नाक होंठ हो, है ना, क्या होते हैं, सुने हुए तो हैं हमारे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन इंट्रोजेक्शन, कई बार इंट्रोजेक्शन को इसमें ऐड किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता, इंट्रोजेक्शन बेसिकली आप जो जो सडन फीलिंग होती है ना जैसे खुशी की गम की, उसे इंट्रोजेक्शन कहते हैं, डेट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पर हमने कहा ये जो हिस्से हैं ये एक सेंटेंस के होते हैं, जब तक आपको बॉडी के पार्ट नहीं पता, जब तक आपको सेंटेंस के उसके पार्ट्स, मैंने कहा सेंटेंस को स्पीच भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझ पा रहे हैं, जैसे हमने कहा बॉडी के पार्ट हैं, इसी तरह एक सेंटेंस के भी पार्ट हैं, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के देखोगे यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है भाई, एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन ऑब्वियसली वर्ड्स तो होंगे ही, वर्ड्स के कलेक्शन को हम सेंटेंस कहते हैं, और एक सेंटेंस के टुकड़े टुकड़े कर दो और टुकड़े करने के बाद आप पाओगे कि ये मिला मुझे, तो इनका आइडेंटिफिकेशन, इनके बारे में बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, हर एक सेगमेंट से पहले बेसिक्स जरूर पढ़ें। मान लो कि हमने प्रोनाउन पढ़ना है, ठीक है, हमने कहा नाउन पढ़ना है, हमने कहा टेंस पढ़ना है, तो जब तक आपने वर्ब का बेसिक नहीं सीखा तो टेंस कैसे सीख लिया, जब तक आपने प्रोनाउन का बेसिक नहीं सीखा तो सिर्फ रट्टाफिकेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान हम बैच के दौरान किस पे देंगे बेटा, बेसिक्स पे देंगे, ठीक है, तो इस बात को मेरे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मैम, ठीक है रट्टा नहीं मारो, पहले तो मैं यही याद करूंगा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, समझो ये होते क्या है, बहुत एक एक लाइन में बेसिक बेसिक बात बताऊंगी जो एकदम छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, जो आपको छत एकदम बचपन में आ जानी चाहिए थी, नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है, पर फिर भी नहीं आती, मैं ये मान के चलूंगी कि कुछ नहीं आता, ठीक है, यही मान के चलूं कि कुछ नहीं आता, क्लियर। चंचल साहू जी कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही हैं, कह रही है मैम ये ग्रामर की क्लास है क्या, नहीं 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 ये ग्रामर की क्लास नहीं है, मैथ्स की क्लास है जिसमें अलजेब्रा चल रहा है, और एल्जेब्रा में भी हम एक नई तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसमें डिग्री वगैरह का कॉन्सेप्ट होगा, तो समझते हैं, ठीक है चंचल। कैसा क्वेश्चन है, ग्रामर की क्लास है क्या, ऑब्वियसली ग्रामर की क्लास है, चलो वन बाय वन, 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर बेसिक बात समझते हैं कि एक नाउन क्या होता है। नाउन मतलब, रटना मत बस मेरी बात सुनना, नाउन मतलब नाम, जिस चीज का भी नाम हो सकता है, ये चश्मा नाम, नाम सोचो अपने आसपास सोचो, जिस जिसका भी नाम है, मैंने कहा ग्लव्स मेरे है ना, नाउन है, मैंने कहा लैपटॉप, नाम रखो अपने आसपास भी रखो, जल्दी अपनी गर्दन घुमाओ और अपने आसपास देखो कि कुछ होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, एसी होगा, बेड होगा, तुम खुद, तुम्हारा भी एक नाम है, तुम भी एक नाउन हो, ये माकर, ये नाउन, जिसका भी तुम नाम रख सकते हो ना, वो सब नाउन है, गौर करो,
देखो अपने चारों तरफ, जो भी ट्यूबलाइट है, फोटो फ्रेम है, स्विच है, बटन है, टेबल है, तो ये सब क्या है? सब नाउन है. क्या है? सब नाउन है. बहुत भयंकर बारिश और तूफान यहां पर आ गए हैं और लाइट भी है नहीं, खैर, पर फिर भी जहां तक क्लास हो पाएगी, अगर बीच में इंटरप्ट हो जाती है तो परेशान ना होए, बिकॉज वेदर है भाई, अब कुछ भी हो सकता है ना. तो उस केस में आज ज़्यादा हो रहा है, थंडरिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए लाइट का इशू हो सकता है. पर अगर हो तो परेशान मत होइएगा कि फिर हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, कल करेंगे, कल एप्लीकेशन पे क्लास रहेगी, है ना, टू बी वेरी क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, नेमिंग वर्ड को मैंने कहा नाउन कहते हैं, जैसे मैंने कहा सुमित, मैंने कहा इंदौर, मैंने कहा कैमरा, ये मेरे सामने अभी कैमरा है, आप भी एक नाउन है, ठीक है. अब कोई नाउन ऐसी भी होती है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी के उस स्टेट को आपने ईमानदारी कह दिया, ड्रीम आपने कहा सपना. मैंने एग्जाम्पल लिया किसी का नाम, ये लो सुरेंद्र जी एक नाउन है, सुरेंद्र जी एक नाउन है. क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं 11th साइंस स्ट्रीम में हूं तो मैं क्या कर सकती हूं? ओके मैम, थैंक यू सो मच. स्ट्रीम में एड जी कह रहे हैं, मैम आप कृपया बोर्ड के मध्य खड़ी ना हो. तो मैं क्या खड़ी हूं? मैं साइड बाहर चली जाऊं, मैं बाय कह दूं? कैसी बात कर रहे हैं यार, मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा. चलो, मैंने कहा नाउन सिर्फ एक नाम है. यहां तक ये जो सुरेंद्र जी थे ना, ये सिर्फ एक नाउन थी. अब मैंने कहा सुरेंद्र प्लेज, सुरेंद्र क्या करता है? खेलता है. तो ये जो इसका एक्शन है, ये वर्ब है. ध्यान से सुनो, सुरेंद्र क्या है? दो मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी. ये जो सुरेंद्र है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सीख गए हैं, नाउन. फिर मैंने कहा जो ये एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है? ये खेलता है. तो प्ले क्या है? वर्ब. क्या है बच्चा? वर्ब. इतनी बात समझे? तो ये जो आपका एक्शन होता है, हैपनिंग है, डूइंग है, इसकी डिटेल में बात हम आगे करेंगे. अभी मैं 5 मिनट में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये बता दूं कि ये होता है क्या. हर क्लास में सीखना बहुत जरूरी होता है. आपका जगना, टूटना, खेलना, पीना, सोना, रोना, ये सारी की सारी वर्ब है. तो ये सुरेंद्र जी खेलते हैं, मैंने कहा नाउन है और ये वर्ब है. चलो अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं. भाई किड्स का स्पोकन इंग्लिश का बैच 15 सितंबर से शुरू हो रहा है. अगर अपने छोटे बच्चों को आप एडमिशन अभी से इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, उनको परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि अभी से वो अच्छी वोकैबुलरी, अच्छी स्पोकन कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस पर काम करें, तो हमारे एक्सपर्ट के साथ उनका 20 स्टूडेंट्स का जूम एप्लीकेशन पर क्लासेज रहती हैं, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, मेरा फ्लो खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं. आगे देखते हैं एडजेक्टिव. तीसरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, समझिएगा. मैंने कहा नाउन, नाउन क्या है? नाम. अब वो जो नाम कुछ कर रहा है ना, वो वर्ब है. तीसरा मैंने कहा एडजेक्टिव. वैसे तो आपने मेरी एडजेक्टिव की बेसिक्स की क्लास देखी है, देखी है क्या? ये मक्खन जी, प्रियांशु, अनिकेत, अंकित, गरिमा, आप लोगों ने एडजेक्टिव की बेसिक्स की क्लास देखी, देख लीजिएगा. मैंने यूट्यूब पे भी बेसिक्स की क्लास ले रखी है. ठीक है, अब देखिए मैंने कहा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहे. रट्टा नहीं मारेंगे. आप सोचो यार, किसी को हम कहते हैं बड़ा ही अच्छा लड़का है, बड़ा ही खराब लड़का है, ये चीज़ बड़ी ही चमकीली है, ये बड़ा ही सुंदर है, ये बड़ा ही लबोरियस है, बड़ा ही मेहनती है. तो जब किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता आप कहते हैं, एक वर्ड में डेफिनेशन दूंगी, उसे कहते हैं एडजेक्टिव. जैसे कहा सुरेंद्र, बताइए सुरेंद्र क्या है? भाई अभी मैं फटाफट आपको काटना सिखा रही हूँ, आप बेसिक चीजों में काटना सीखें पार्ट्स ऑफ स्पीच को. मैंने कहा सुरेंद्र तो आपका नाउन है, ये लो जी लिखो जल्दी फटाफट. प्लेस क्या है? वर्ब है. मैम इतना भी हमें आ गया. अब आपने कहा सुरेंद्र प्लेस विद एनर्जेटिक प्लेयर्स. प्लेयर्स क्या है? खिलाड़ी. नाम रख दिया ना तुमने खिलाड़ी, तो जिसका नाम रख दें वो क्या है? नाउन है, ये लो. अब मैंने कहा एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बता दे, ये लो एनर्जेटिक. ये क्या है? पहचानो इसमें कौन सा एडजेक्टिव कौन सा है, जल्दी फास्ट. क्या एनर्जेटिक ही एडजेक्टिव है? ये लो मैम, एडजेक्टिव भी पहचान गए. चलो चार चीजें तो हम पहचान गए, 2 मिनट में 4 चीजें पहचान गए. वैसे इतना भी आसान नहीं है, हम चीज़ों का लेवल बिल्डअप करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको एकदम वैसी बात सिखा रही हूँ जो तीसरी चौथी के बच्चे को आनी चाहिए, है ना? तो समझिएगा, आगे देखते हैं. मैंने कहा एडवर्ब क्या है? एडवर्ब होते हैं आपके 3 आंसर. मैं कहूँ व्हेन,
मैं कहूँ हाउ, मैं कहूँ वेयर, मैंने एडवर्ब का भी बेसिक पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा मेरा, है ना, मेरी यूट्यूब चैनल पे ही होगा एडवर्ब का बेसिक। एडवर्ब का बेसिक में है क्या? एडवर्ब वो है जो एक वर्ब को, जो एक एडजेक्टिव को, एक एडवर्ब को मॉडिफाई करे। अभी हमने सीखा एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव है। अब मैंने कहा एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वर्ब के बारे में बताती है, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताती है, और खुद एडवर्ब के बारे में भी बताती है। जी हाँ, इसे कहते हैं एडवर्ब। इसके बेसिक्स में हम इसका पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने कहा सुरेंद्र, बताओ सुरेंद्र क्या है, नाउन। तोड़ो ना, जल्दी जल्दी तोड़ो, ब्रेक करना सीखो। मैंने कहा प्लेट क्या है, आपने कहा वर्ब। मैंने कहा सुरेंद्र खेलता है, कैसे खेलता है, ब्रेवली, बहादुरी से। तो गौर करो, मैंने कहा सुरेंद्र खेलता है, फिर आंसर आया हाउ, कैसे खेलता है, मैंने कहा बहादुरी से खेलता है। तो ये जो ब्रेवली वर्ब है ये क्या है आपका, एडवर्ब है। क्या है बच्चा, एडवर्ब है। डिटेल में सिखाऊंगी एडवर्ब, अभी सिर्फ एक एक लाइन में सिखा रही हूँ, एडवर्ब है। मैंने कहा एनर्जेटिक, अभी तो बताया एनर्जेटिक क्या है, एडजेक्टिव है। ये लो, प्लेयर्स क्या है, खिलाड़ी क्या होते हैं, खिलाड़ी तो आपने नाम रख रखे हैं, तो आपने कहा नाउन। अब मैंने कहा कब, व्हेन, व्हेन, व्हेन का आंसर बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे, यस्टरडे क्या है, कम ऑन फास्ट यार। माधव, राधा, वेरी गुड, अंजलि, संजम, प्रवीण, फैंटास्टिक, प्रिया, आहिर, वेरी गुड, जल्दी मुझे बताओ कि यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। श्योर राधा जी, श्योर, ताला लगा दिया जाए, फिर 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे आपके खाते में बाय चांस, ठीक हो गया तो। इंग्लिश नहीं आती है सविता, आ जाएगी बच्चा, आ जाएगी। प्रीति, घबराना नहीं होता, घबराना नहीं होता लाइफ में, कुछ नहीं आता ना तो समस्या का एक ही समाधान है, पता है क्या, हर एक समस्या का एक ही समाधान है, और वो है उसके सामने खड़े हो जाओ जाकर। कहां तक जाएगी, उसके सामने तुम खड़े हो जाओ, वो तुम्हें डराने ही नहीं लगेगी, फिर डराएगी नहीं, तुम उसे डराओगे। तो मैंने कहा यस्टरडे, सब कह रहे हैं मैम ये एडवर्ब है, कैसे बताया तुमने, अभी तक तो तुम्हें नाउन प्रोनाउन नहीं बताना रहा था, अब तुम कह रहे हो एडवर्ब है, कैसे बता दिया यस्टरडे, क्योंकि हमने सवाल पूछा मैम, क्या पूछा, कब, तो व्हेन का आंसर जो दे दे वो क्या है, एडवर्ब है। कुछ चीजें और क्लैरिफाई हो गई, चलो फिर आगे देखते हैं। मैंने कहा प्रोनाउन क्या है, ये सबसे सिंपल पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसकी कोई कहानी ही नहीं है, ये तो इतना सिंपल है। कहता है नाउन को जानते हो ना, व्हाट का आंसर, हु का आंसर, हुम का आंसर, नाउन होता है। नाउन मैंने, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, और अगर आप एप्लीकेशन के स्टूडेंट है तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा प्रोनाउन क्या होता है, भाई नाउन की जगह पर जो आ जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं, सबसे सिंपल पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए इसको, ठीक है। मैंने कहा जैसे कि आई, वी, ही, शी, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन। अब इसमें मुझे एक प्रोनाउन ढूंढ के बताना जरा, मैं आपको ऐसे समझ रही हूँ जैसे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट हैं, अभी हम थर्ड फोर्थ के रहेंगे ना 5 मिनट और, फिर हम बड़े हो जाएंगे। आपको पहले फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट बनना है, फिर मैं आपको 10th क्लास का स्टूडेंट बनाऊंगी, और फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का 3 स्टेप में आपको बैच पढ़ाने वाली हूँ। बताओ क्या है इन प्लेस ऑफ नाउन, जल्दी मुझे ये बताओ। अभी जी जी डेली होती है क्लास, ऑब्वियसली डेली होती है, कृष्ण ही है, ओके वेरी गुड, शुभांजलि, अशोक कुमार, शुभम, मोहिनी, वेरी गुड, फैंटास्टिक, वरुण सिंह, राणा हमजा, आई एम अमेजिंग, क्या है ही, क्या है एग्जैक्टली, ही है, वेरी गुड, ये ही हमारा प्रोनाउन है। और मैंने कहा ये प्रोनाउन किसकी जगह पर यूज हुआ है, सुरेंद्र। अब गौर से मुझे बताओ, सुरेंद्र क्या है, नाउन, प्लेड क्या है, वर्ब, मैंने कहा एनर्जेटिक क्या है, एडजेक्टिव, प्लेयर्स क्या है, नाउन, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब, मैंने कहा ही क्या है, प्रोनाउन, ये ही किसके लिए यूज हुआ है, सुरेंद्र के लिए यूज हुआ है। मैंने कहा इज माय बेस्ट फ्रेंड, जब एक ही वर्ड में वर्ब लिखी होती है तो उसे कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। इसे लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ाएंगे बैच के दौरान, लिंकिंग वर्ब अपने आप में एक पूरा क्लास हो जाता है। ही इज माय, माय मेरा,
बेस्ट फ्रेंड. अब फ्रेंड के बारे में विशेषता है क्या? बेस्ट. हमने कहा एडजेक्टिव. ये हमारा फ्रेंड क्या होता है? मित्र क्या है? नाम है ना, ये मेरा फ्रेंड है. तो हमने कहा ये नाउन. और माय, माय आपका फिर से आज सिखाऊंगी आपको पजेसिव एडजेक्टिव केस. जब हमने अधिकार दिखा दिया तो ही आपका प्रोनाउन था. यहाँ पर हमने ये बात सीखी. लो मैम सीख ली. तो अगली बात करते हैं प्रपोजिशन. अगर आपने वेनसडे की क्लास देखी है तो मैंने आपको प्रपोजिशन समझाया था. प्रपोजिशन को मैंने ये नहीं पूछा कौन कौन सी, ओन, एट, इन, ये नहीं. एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन का रिलेशन बाकी के सेंटेंस से बताए उसे कहते हैं प्रपोजिशन. गौर से देखिए, सुरेंद्र प्लेड विद एनर्जेटिक प्लेयर्स. मैंने कहा इन प्लेयर्स का इसके साथ क्या रिलेशन है कि सुरेंद्र खेलता है भाई इन प्लेयर्स के साथ? अब तोड़ के मुझे बताओ जल्दी से, सुरेंद्र क्या है? नाउन. क्या है? नाउन. प्लेड क्या है? आप कहेंगे वर्ब. विद क्या है? विधि तो रिलेशन बता रहा है इन दोनों का आपस में, इस नाउन का इस सेंटेंस से रिलेशन बता रहा है. तो मैंने कहा ये है आपकी प्रपोजिशन. नाम से ही पता लग रहा है, प्री प्लस पोजिशन, जो पोजिशन पहले हो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले हो. एनर्जेटिक बताइए, प्लेयर्स के बारे में बता रहा है. तो बच्चे मैंने क्या कहा, ये एडजेक्टिव है. प्लेयर्स क्या होता है? खिलाड़ी किसी का नाम है, तो मैंने कहा नाउन. और मैंने कहा वेन का आंसर दे रहा है, तो यस्टरडे क्या है? एडवर्ब. मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर क्लियर हो रही है तो आगे बढ़ती हूँ. कंजंक्शन क्या है? नाम ही बता रहा है, कनेक्टर. कंजंक्शन जो जुड़ाव करवाता है. जुड़ाव करवाता है, कैसा जुड़ाव? देखो सुरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स. अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. वैसे दो क्लोज हो सकते हैं, दो वर्ड हो सकते हैं, दो नाउन हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, जो कनेक्टर की तरह काम करे, जोड़ने का काम करे. सुरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स, ये एंड क्या नजर आ रहा है आपको? कंजंक्शन. जैसे मैंने कहा बट, नो, सिंस, बिकॉज, ये सब कभी दो वर्ड कभी दो क्लोज आपस में जोड़ने का काम करता है. इसीलिए इसका नाम क्या है? कंजंक्शन है. अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अभी मुझे तोड़ के बता पाएंगे आप सब मिलके? सब ट्राई करेंगे ना. एंड कंजंक्शन है, एग्जैक्टली एंड कंजंक्शन है. आप जल्दी से सब मेरे साथ वो कैब में. मैम वो कैब में कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? बच्चा रूट वर्ड मेथड यूज करते हैं हम, नमोनिक्स को यूज करते हैं, ग्रुपिंग को यूज करते हैं. मेरे बैच के दौरान मैं ये सब मेथड आपके यूज करती हूँ. हाँ जी, मुझे फटाफट इस सेंटेंस को तोड़ दीजिए. इतना तोड़िए तोड़िए तोड़िए, तोड़ तोड़ के इसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए कि ये है क्या. चलो मैं आपसे पूछती हूँ, पहला वर्ड सुरेंद्र बताओ क्या है? आप कहेंगे मैम किसी का नाम है, और नाम क्या होता है? नाउन. ठीक है, मैंने कहा एंड हिज ब्रदर. मैंने कहा हिज ब्रदर और सुरेंद्र आपस में जोड़ने का काम कर रहा है. जल्दी बोलो क्या है? कंजंक्शन. लॉजिक कंजंक्शन. अभी पढ़ के आए हैं बेटा, क्या कर रहे हैं? प्लेड. प्लेड क्या है हमारी? वर्ब, मेन वर्ब. सुरेंद्र एंड हिज ब्रदर प्लेड विद एनर्जेटिक प्लेयर्स यस्टरडे. अब मैंने कहा विद. विद क्या है हमारी? प्रपोजिशन. ये लो प्रपोजिशन. पूरे सेंटेंस को तोड़ दीजिए. एनर्जेटिक किसकी विशेषता बता रहा है? प्लेयर्स की. प्लेयर्स कैसे हैं? मैंने कहा एनर्जेटिक, तो आपने कहा एनर्जेटिक क्या हुआ? एडजेक्टिव. बताइए मुझे प्लेयर्स क्या है? खिलाड़ी क्या होते हैं? नाम ही तो होता है खिलाड़ी. तो मैंने कहा कॉमन नाउन है. और बताइएगा ये क्या हुई नाउन? कैटेगराइज करना मैं बाद में सिखाऊंगी कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा नाउन कैसे कैसे कौन कौन सी प्रपोजिशन, यही तो पढ़ना है हमें पूरे बैच के दौरान. पर हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमें ऐसा ना लगे कि हम पांचवी क्लास के बच्चे को जो आता है हमें वो भी नहीं आता. अब मैंने कहा वेन का आंसर किससे पूछा? यस्टरडे से. तो इसने आंसर दिया, तो आंसर दिया तो लो भैया इसको क्या लिख देते हैं? एडवर्ब लिख देते हैं. वापस आओ ब्रदर. हमने कहा ब्रदर क्या है? हिज ब्रदर. तो मैंने कहा भाई. भाई क्या होता है? नाउन. नाम है ना कि ये मेरा भाई है, तो ये तो नाउन हो गई. चलो ठीक है, अब हिज किसका? पजेसिव. पजेसिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है. इसके बारे में हमें समझना होगा. इस हिज को आप क्या कहेंगे? प्रोनाउन कह लें, एडजेक्टिव कह लें, क्या कह लें मैम? यही हम आपकी क्लासेस में, आगे की क्लास में आपको आज यही कॉन्सेप्ट आज सिखाने वाले हैं. आपने सेंटेंस को ब्रेक किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि 90% तो ठीक किया होगा. ठीक किया है क्या? किस किस ने ठीक किया है? भावना, रविंद्र, विद्या, ठीक है, वेरी गुड.
जिसने ठीक किया है वो मुझे थम्स अप भेज सकता है, यस मैम मैंने ठीक किया है। कम से कम मुझे इतना तो पता लगे यार, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है, कंजंक्शन क्या किसका काम करता है, प्रपोजिशन किसका काम करता है, एकदम बेसिक आइडिया तो आपको हो गया। क्या हम पांचवीं क्लास में आ गए? क्या आप सब लोग पांचवीं क्लास में पास हो गए? अगर आप पांचवीं क्लास में पास हो गए हैं तो अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। एक बार थम्स अप की एकदम हर एक स्टूडेंट, जितने भी लोग अभी लाइव हैं, 2500 लोग लाइव हैं, जितने भी लोग लाइव हैं ठीक है, सब के सब मुझे थम्स अप भेजेंगे। और सबका आना चाहिए मुझे, अगर सबका आता है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पांचवीं क्लास में सब पास हो गए। कौन कौन पास हो गया है? दो मिनट में कमेंट देख सकती हूँ आपके। वेरी गुड, थैंक यू सो मच पूनम, आर्या, गुरुजी, अमरेश, सौरभ, अरुण, प्रेम, मिंजर, दीपक, अखिलेश, सुनील, बहुत बढ़िया। ये थम्स अप भेजो ज्यादा ज्यादा, है ना, ताकि मुझे समझ में आए पांचवी क्लास में सब पास हो गए, मेरी पूरी क्लास पास हो गई। हाँ, रॉयल आर्मी, निशु, राधा, अभिषेक, सचिन, शुभम, विपेंद्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, इसका मतलब पांचवी क्लास में तो सब पास हो गए हैं। अब मैं आपको बड़ी क्लास की तरफ लेके चलती हूँ, ठीक है। अब बड़ी क्लास कौन सी है? बड़ी क्लास हमारी है, आज हम कुछ बेसिक के बारे में डिस्कशन करते हैं और हम जो शुरुआत करेंगे वो करते हैं प्रोनाउन से, ठीक है। अब समझते हैं प्रोनाउन क्या है। अभी तक तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया कि नाउन की जगह पर मैंने सुरेंद्र की जगह पर ही लगा लिया था। क्या इतना ही सीखना हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी है? जी नहीं, इतना सीखना हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी नहीं है। अब हम इस एक काम करते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस को तोड़ा ना, तोड़ तोड़ के उसकी एक एक पार्ट को अलग अलग करके उसको पढ़ा, इसी तरह आप प्रोनाउन को एकदम ऐसा पढ़ेंगे कि उसका कुछ भी बचे ना, कोई भी हिस्सा ना बचे। सबसे पहले तो हमारे पास सवाल, प्रोनाउन क्या है? एकदम सिंपल भाषा में, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जी हाँ मैम, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके। अब हमने कहा कि प्रोनाउन की जरूरत कहाँ, प्रोनाउन को पहचाने कैसे, प्रोनाउन कहाँ आता है, प्रोनाउन कहाँ नहीं आता, प्रोनाउन की टाइप क्या है, एग्जाम में एरर कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, इम्प्रूवमेंट कैसा आता है, इस सब को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन की कहानी बताने की मैं कोशिश करती हूँ, आप उस कहानी को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सुनेंगे, रेडी ना। प्रोनाउन की कहानी आज शुरू करते हैं, उस प्रोनाउन की कहानी को कह देंगे, प्रोनाउन की कहानी। अब भाई इस बैच की 12 सितंबर आज है, इसकी पहली क्लास यूट्यूब पर हो रही है, जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट हैं, मैं जानती हूँ मैक्सिमम पेड होंगे, तो कल से आपकी क्लास ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन पर होगी, आपने डाउनलोड तो कर ही रखी है, वहीं से बैच परचेज किया होगा ऑब्वियसली, कल से आपकी क्लास वहीं पर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगर अकेला किसी को ओनली ग्रामर का बैच, ओनली वोकैबुलरी का बैच, स्पोकन का बैच, तो हर एक बैच एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हाँ जी, मैंने कहा अभी एक सवाल आया था ना, प्रोनाउन को मैम मतलब यूज़ कैसे करें, मतलब इसका मतलब क्या आइडेंटिफिकेशन है, किसका आंसर देता है, ये क्यों आया मार्केट में, इसका कारण समझिए। देखिए, जैसे आप लिखते हैं, बड़ी ना लैंग्वेज की खूबसूरती बिगड़ रही थी, मैंने कहा आई नो निखिल, निखिल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और मैंने कहा आई नो निखिल, निखिल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, निखिल इज़ दिस, निखिल, और मैं निखिल 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 करे जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि अच्छा नहीं लग रहा, बार बार एक ही लाइन, मैंने कहा आई नो निखिल, पहले निखिल कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ निखिल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, निखिल इज़ वेरी गुड इन स्टडीज, मतलब बार 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 मैं निखिल का नाम ले जा रही हूँ। अब क्या हुआ, लैंग्वेज की खूबसूरती बिगड़ रही थी। इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तो हम बहुत चीज़ें करते हैं ना, तो इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए प्रोनाउन मार्केट में आता है, और प्रोनाउन कहता है मैं हूँ ना, मैं हूँ, तो खूबसूरती बिगाड़ क्यों रहे हो, एक काम करो मेरी जगह पर ना, इस निखिल की जगह पर ना, पहले तो आपने कह दिया निखिल, अब दूसरा जो निखिल है ना, इसको रिप्लेस करके एक काम करो ही बना दो, क्या कर दो, ही, ऐसे बोलो आई नो निखिल ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बोल दो, तो इससे क्या खूबसूरती सही लगेगी, बार बार अच्छा नहीं लगता निखिल 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 करे जा रहे हैं, तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। अब समस्या क्या आई सामने कि हर चीज में तो ही नहीं लगा सकते, हमने कहा मैं ये कहती आई नो एनी गर्ल इज हियर, दीपू,
Maybe you are a girl. Okay. मैंने कहा आई नो दीपू, दीपू इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो अब क्या हुआ कि निखिल की जगह तो ही लगाया था, क्या दीपू की जगह पर ही लगा दो? नहीं यार, फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे लड़का और लड़की में? तो इसके लिए मार्केट में आया कि अब हम ना शी को बना देते हैं, ठीक है, लड़की की जगह ना शी यूज करने लग जाते हैं, फाइन. अब कभी हमने बोला कि अगर इंसान ना होकर एनिमल हो तो फिर क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग हो तो क्या करेंगे? हमने कहा चलो यार इट को बना देते हैं. इस तरीके से अब हमने कहा ही शी मिले हुए हो तो क्या कर दें? कहते हैं ज्यादा लोगों को बताना है तो दे का यूज कर लेना यार. तो इस तरीके से प्रोनाउन मार्केट में आए जब जरूरत पड़ी नाउन को रिप्लेस करने की. ठीक है गाइस, अब हम समझते हैं आगे. देखो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, अब हमें समझना पड़ेगा. देखो याद करो शुरू में जो सेंटेंस लिखा था, याद करो माय गोइंग मी गोइंग वाला, याद आ रहा है? अगर शुरू से आप क्लास में हैं तो मेरा नाम लीजिए, क्या हो जाएगा फिर? आरडीएक्स कुंदन जी, आपको पूरी ग्रामर आ जाएगी, आपका नाम ले लेंगे तो हम. वैसे आपको ले भी लिया है. नाम तो ले लिया मैंने, अब जो भी है ठीक है. ठीक है मक्खन जी, बाय बाय. हाँ जी, कहाँ थे हम? हम कह रहे थे एक प्रोनाउन को समझे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें. भाई मैं पहले भी कहती हूं जब तक आप पहचानोगे नहीं कि ये आईज हैं तब तक कैसे उनकी फंक्शनैलिटी पे बात करें. जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि नाक है तो हम ये कह रहे हैं नाक से सांस लेते, नाक से सांस लेते, तुम पहचानते ही नहीं नाक क्या है. तो जब मैं कहने लग जाऊं अभी रूल की भंडार आपके ऊपर थोप दूं, ये प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये लगता है, ये ऐसे ऐसे सिंगुलर यूज होता है, तो आप कहेंगे जब आप तो प्रोनाउन को पहचानते नहीं अभी, तो आपको नाक ही नहीं पता, सांस लेना कहां से पता होगा. तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर यह पहचानना जरूरी है कि प्रोनाउन है कहां. अब इसका आंसर क्या, प्रोनाउन बेचारा खुद में कुछ है ही नहीं, उसने कहा जो नाउन है ना वही प्रोनाउन है, क्योंकि आपको याद होगा निखिल की जगह तो ही है, तो जो निखिल काम कर सकता है वही ही काम कर सकता है. नाउन के बेसिक्स में देखिएगा, हमने कहा था व्हाट, हु और हुम का आंसर नाउन है, इसी तरह प्रोनाउन भी है. देखिए समझिएगा, चलो समझाने की कोशिश करती हूं. देखिए गौर से देखिए, मैंने कहा आई नो निखिल, मैं निखिल को जानती हूं. अब सवाल करिए हु नोज निखिल, निखिल को कौन जानता है, हु से आंसर करिए, बताओ हु कौन जानता है निखिल को. मैंने कहा मैं निखिल को जानती हूं, फिर मैंने सवाल पूछा, तीन तरीके के सवाल पूछने हैं ना, हु, हुम और व्हाट. मैंने कहा कौन जानता है निखिल को, आपने कहा आई. एग्जैक्टली ये आई है या तो ये नाउन है, नाउन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी उसको छोड़िएगा. मैंने कहा है प्रोनाउन, एग्जैक्टली प्रोनाउन. आगे देखिएगा दे नोटिस्ड मी, अब मैंने कहा होम डिड दे नोटिस, किसको नोटिस किया उन्होंने, आपका आंसर आया मी, मुझे नोटिस किया उन्होंने, मुझे नोटिस किया. फिर मैंने पूछा होम डिड दे नोटिस, किसको नोटिस किया, आपका आंसर आया मी, तो मी भी क्या है आपका प्रोनाउन. आगे समझिएगा नवी हैज ईटन समथिंग, मैंने कहा व्हाट हैज नवी ईटन, नवी ने क्या खाया, नवी ने कुछ खाया. अब मैं आपने पूछा नवी ने क्या खाया, बताइए व्हाट का आंसर. जब मैंने पूछा व्हाट हैज नवी ईटन तो आपके मन में क्या सवाल आया, समथिंग. तो क्या मैम समथिंग भी प्रोनाउन, जी हाँ. आप रट्टा तो नहीं मार सकते ये प्रोनाउन है ये प्रोनाउन है ये प्रोनाउन है. आप तीन चीजों को ध्यान रखिए, या तो हु पूछिए या होम पूछिए या व्हाट पूछिए, या तो वो नाउन होगी या नाउन की जगह पर आने वाला प्रोनाउन होगा. अभी आपको हो सकता है बात अजीब लगे, पर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है कि हाँ यार ये तो एरर, मतलब हम तो सोल्यूशन हो गया हमारी तो प्रॉब्लम का, अब तो हम कंफ्यूज ही नहीं हो रहे कि यहाँ प्रोनाउन आना भी चाहिए था या नहीं. भैया आना तभी चाहिए था जब वो आइडेंटिफिकेशन में सही बैठ रहा है, जब वो हु का आंसर दे रहा है, होम का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, वरना नहीं बैठाएंगे हम उसको. ठीक है चलो, मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन से हमने तीन चीजें सीखी, या तो व्हाट का आंसर, या फिर हु का आंसर, या फिर होम का आंसर. ठीक है, व्हाट का आंसर क्या देंगे आपके, नॉन लिविंग थिंग, जो आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझते हैं, नहीं समझते तो वो भी समझा देंगे. मैंने कहा ओनली पर्सन, हु कौन बनेगा, आदमी ना, होम कौन बनेगा, आदमी ना, तो ये हु जो है आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, होम आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है. अब मैंने कहा अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आता तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सिखाऊंगी, एग्जैक्टली सब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट होता क्या है, बहुत सिंपल चीज है. फिर से हम सेकेंड क्लास में आ जाएंगे, ठीक है.
हाँ जी, प्रोनाउन की बात समझ में आई। अब देखिएगा, अब बात करते हैं ना, पहले पहचानना सीख गए। पहचानने में हमने क्या सीखा? सबसे पहले स्टार्टिंग से आओ, मैंने कहा प्रोनाउन क्या है, आपने कहा नाउन की जगह पर यूज जो वर्ड होते हैं उन्हें मैम प्रोनाउन कहते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया। अब मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन याद करो यार, आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानोगे हु होम और व्हाट का आंसर प्रोनाउन है, नाउन है वही प्रोनाउन है। अब हमने कहा ठीक है पहचान तो हम जाएंगे, अब ये काम कैसा कैसा करेगा, पहले नाक है, नाक को पहचानो, फिर इसका फंक्शन किए सांस लेती है, ठीक है इससे हम सांस लेते हैं, अब हम फंक्शन पहचानते हैं। देखो फंक्शन क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़ो, दे कोल्ड राधा, तो जो सेंटेंस का डूअर होता है बच्चा वो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है सब्जेक्ट ही डूअर होता है, ठीक है। अब मैंने कहा दे, दे यहां पर क्या है फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ओके पहला फंक्शन क्या है एज अ सब्जेक्ट। अगला देखते हैं, रमन हैज स्कोल्डेड मी, रमन ने मुझे डांटा, तो ये मी क्या है, जिस पर काम को किया जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो डूअर है वो सब्जेक्ट है, जिस पर काम हो रहा है वो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है मैम दो काम तो क्लियर हो गए। अगला देखिएगा, इट इज ही, इट और ही आपस में क्या है बराबर, इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, बताइएगा आई और टीचर बराबर हैं क्या, क्या आई ही टीचर है, अरे बोलो ना, मैंने कहा मैं अध्यापक हूं, क्या मैं ही अध्यापक हूं, क्या आई और टीचर बराबर हैं, अगर आपने कहा हाँ तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, क्या कहते हैं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अगर करने को बात करूं कॉम्प्लीमेंट की, फिर से एक पूरी चैप्टर पूरा वन आर जा सकता है, पर हम आज उसकी बात नहीं करेंगे, फिर कभी इसकी बात करेंगे, ठीक है बताओ। क्या आई ही टीचर है, यस मैम, यस मैम एग्जैक्टली आई ही टीचर है साक्षी, वेरी गुड अशोक, दिव्यांशु अमेजिंग, भावना गुरुजी, तान्या केसरी, रुक्मिणी, निशात, बहुत बढ़िया सोनाली, मतलब आप सही कह रहे हैं, मतलब आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आई ही टीचर है बेटा, जी मैम आई ही टीचर, और ये सब मान रहे हैं क्योंकि मैं ही तो टीचर हूं, यू आर द बेस्ट टीचर मैम, थैंक यू सो मच तान्या। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आर यू श्योर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, है ना, वैसे ही शायद आपके पास कोई इशू होगा, हमारी तरफ से वॉइस क्लियर है, बीच में कुछ इशू हुआ था, अच्छा अभी ठीक है ना, चलो ठीक आगे देखते हैं। अब मैंने कहा जैसे आई और टीचर है, ऑल ओके है तो प्लीज मुझे थम्स अप भेज दो, ऐसे तो बीच में क्लास वो हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी ना हमें थोड़ी, ठीक है मैम ऑल गुड ऑल फाइन, थैंक यू अनामिका, निंजू ओजी टैक, किस किसे नाम रखते हो यार तुम, कविता थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं यार, सीरियसली दिन भर की थकान दूर हो जाती है पढ़ाकर, और खैर फिर कभी, हाँ जी आई और टीचर बराबर है, तो टीचर क्या है, हमने कहा आई एम अ टीचर, आई ही टीचर है, तो इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है पूरक। अब मुझे बताओ इट और ही बराबर हैं क्या, आप कहेंगे यस मैम इट और ही तो बराबर हैं, तो हम इसको भी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, हमने कह दिया। अगला देखिएगा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बच्चा कभी भी प्रपोजिशन आती है ना तो प्रपोजिशन के बाद मस्ट है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना, ठीक है, जैसे मैंने कहा रमन सेंट अ लेटर टू, हमारी प्रपोजिशन किसको भेजा, मी मतलब कि मुझे, तो चार तरीके से हमारा फंक्शन करता है भाई, देखो बात को समझना पड़ेगा क्योंकि अगर हम बात नहीं समझेंगे फंक्शंस नहीं समझेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। देखो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है याद रखना, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, जी मैम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है मैंने कहा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, हाँ जी समझे बात को, चारों चीजें समझ गए, डन, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब वॉइस जैसी भी आ रही है उससे काम चला लीजिए प्लीज, ठीक है साउंड का इशू होगा, कुछ टेक्निकल इशू होगा, अभी तो चेक नहीं किया जा सकता है, तो आप जैसी भी आ रही है कृपया उससे काम चला लें, चला लोगे ना, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, कभी कभी हो जाती है,
नॉर्मली तो नहीं होती अब भैया, साल दो साल में हमारे साथ भी 5-6 महीने में तो कभी कभार हो जाएगी ना। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? चलो, मैंने कहा सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, काम चला लीजिए, प्लीज़ मत कहिए वॉइस ख़राब है, जिससे कि क्लास का फ्लो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आज एक ही तो क्लास यूट्यूब पे है, कल से तो एप्लीकेशन पे है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं यार वो साउंड की। ठीक है, आज आज मैनेज कर लीजिए। हाँ जी, देखिएगा, अब मैंने कहा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, अब रट्टा मारने लग जाओ, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूट, होते तो ये सब हैं और हमें पढ़ने भी हैं, पर ऐसे रट्टा मार के नहीं पढ़ने, ये वाला ये वाला ये वाला। मैं वन बाय वन आपको एकदम प्यार से समझाती हूँ। देखो पहला देखते हैं, पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। देखो पहले आप मुझे बताएंगे, ही और हिम ब्रोक द ग्लास, ब्रोक द ग्लास, द टीचर पनिश्ड हिम, क्या आएगा इसके अंदर? क्या आएगा इसके अंदर? ही आएगा या हिम आएगा? ही आएगा या हिम आएगा, बताइए, टेल मी। मैम कैसा सवाल कर रहे हो, ऑब्वियसली ही आएगा, है ना? कैसा सवाल है मैम ये, ही ब्रोक द ग्लास, तो ऑब्वियसली मैम ही आएगा और हिम नहीं आएगा। छोटा बच्चा भी बता देगा इस बात को, द टीचर पनिश्ड हिम आएगा मैम, ही नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, हिम आएगा। मैंने कहा हिम नहीं आएगा, ही आएगा। क्या आप सब इतना जानते हैं? तो इसमें कोई तीर नहीं मारा तुमने, ये तो सब जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, व्हाई, आप बताओ कितने लोग जानते हैं? ये कोई तीर नहीं है कि ही ब्रोक द ग्लास होगा मैम, द टीचर पनिश्ड हिम होगा, ही क्यों होगा? भाई मैं पूछूं क्यों, व्हाई, ऐसा होता क्यों है, ऐसा कोई बता सकता है? अपने आप को 30 मार्क का ना समझें ये कहकर कि ही आएगा मैम, ही आएगा। वैसे मैं भी कोई इस सवाल को पूछने में इंटरेस्टेड नहीं थी तुम्हें, मैं पूछ रही हूँ व्हाई, कोई बताएगा मुझे आंसर? ये लव यू के बच्चे रुक जा, मान जा, मुझे ये बता, पता है क्यों आएगा? ये तो नहीं पता मैम, अच्छा लग रहा है बस, तो जो अच्छा लग जाए वही आएगा, क्या कहते हो? वॉइस की जो भी प्रॉब्लम है उसे सेटल कर लो, अब मैं अब नहीं ठीक होने वाली है वो, अब वो ठीक क्लास के बाद ही होगी, और क्लास में बीच में ब्रेक नहीं कर रही, एडजस्ट कर लो, है ना? बताओ बताओ। देखो देखो, दो काम होते हैं हमारे किसी सेंटेंस के अंदर, एक तो डूअर होता है और एक दूसरा क्या होता है, रिसीवर। डूअर कौन होता है? जो काम को करता है मैम, जो काम को करता है, ध्यान से सुनिए, और रिसीवर जिस पर काम किया जाता है, मतलब जिस पर काम हो रहा है। अब जो डूअर होता है, अब आप यहां पर देखिए, ही ब्रोक द ग्लास, ग्लास को किसने तोड़ा, डूअर कौन है? आपने कहा डूअर ही है, तो जो करने वाला है वो तो सब्जेक्ट होगा, और ही आपका सब्जेक्टिव केस है, इस चीज को हम डिस्कशन करेंगे अभी क्लास के दौरान। ठीक है, अब हमने कहा द टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने तो पनिश करने का काम किया, लेकिन पनिश हुआ कौन है? आपने कहा हिम, ये हुआ है। अब हमने कहा ये सब्जेक्ट, इसने काम को किया है, और जिस पर काम को किया है वो है ऑब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए मैम यहाँ पर हिम लगाए हैं। ये काम को करने वाला, करने वाला तो हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा, इसलिए हमने लगाया ही। बात क्लियर? हर चीज का लॉजिक समझने की जरूर कोशिश किया करें। सबसे पहले बात करते हैं एकदम सिंपल हमारे पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि इसका नाम है ना, पर्सनल, पर्सनल कौन होता है? मैं, तुम, ये, वो, इट, ये सब क्या है? ये जितना की जितना फैमिली आपको नजर आ रहा है ना, ये अब ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके दोस्त हैं। मैंने कहा, इसने कहा आए, इसने कहा ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये हमारा एक लड़का है ही, ये हमारी एक लड़की है जिसकी जगह शी। अब हमने कहा इसके कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का नाम है टीनू, मीनू, चीनू। अब हमने कहा सारे फ्रेंड्स को एक साथ बोलूं, तो हमने कहा चलो वी बोल लेते हैं, आई का प्लूरल। अब इसने कहा कि मैं बोल लेके आता हूँ, इस बोल, बोल से खेलेंगे ना ये सब, तो हमने कहा इट। तो ये जितने भी आपको नजर आ रहा है, एक हस्बैंड,
एक वाइफ, उसके बच्चे, उसके फ्रेंड्स, हमने कहा वो किसी चीज से खेल रहे, ये सब का सब जो आपके पर्सनल चीजों को इंडिकेट करता है इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब समझने की बात ये है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैम हमें क्या क्या मतलब हमारे लिए जरूरी है। अभी देखिएगा उसमें क्या था, आई, और आई का प्लूरल वी, इसे कहा हमने फर्स्ट पर्सन। अब हमने दूसरे पे इम्पोज करी बात, कह रहा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन होता है, यू, मीन्स जो स्पीकर है वो तो आई और वी है, मैं और हम है, जिस पर है वो लिसनर है, मैंने कहा यू आपका लिसनर है, और ये जो थर्ड पर्सन होता है इसे कहते हैं ही, शी, इट, दे, ये कौन होता है, जिसके बारे में, अब सोचिएगा मैंने तुमसे सीता के बारे में बात की, मैंने तुमसे हिमांशु शर्मा के बारे में बात करी, हिमांशु शर्मा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, आप कहिए, सुनिएगा मेरी बात, मैंने करी तो मैंने तो करने वाला हूं, मैं तो करने वाला तो स्पीकर है मैम, जी हाँ, सुनने वाले तुम हो, अभी मैं स्पीकर हूं, तुम सब लिसनर हो, तो तुम यू हो ना, मैं तुम ही तो कह रही हूं ना, तुम्हें यू कह रही हूं और मैं बोल रही हूं ना, तो मैंने बोला मैं स्पीकर हूं, तुम लिसनर हो, बात किसकी कर रहे हैं हम, प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड है तो हम क्या लगा ले, इट, बात समझ में आई। अगर मैंने कहा तुम और मैं बात कर रहे हैं निहात अंजुन की, तो निहात अंजुन क्या हुए, थर्ड पर्सन, क्योंकि मैं और आप तो बात कर रहे हैं, इस टाइम मैं और आप प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन कौन है, प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन के लिए ही शी तो यूज नहीं होता, इट को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर हुई, ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। आप मुझे बताइएगा, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, अब मैं पर्सनल प्रोनाउन का केस बताती हूँ कैसे कैसे यूज हो सकता है, सलमान, बोट, अकार, फोर कैटरीना, क्या आपको इस सेंटेंस का अगर मैं प्रोनाउन बनाने को कहूं तो जल्दी बनाइए, सलमान ने कैटरीना के लिए एक कार खरीदी, अब सलमान, कैटरीना और एक कार, तीनों नाउन है, पहले तो नाउन समझो ना, नाउन कौन कौन है, देखो नाउन कौन कौन है, मैंने कहा सलमान प्रॉपर नेम है किसी का, तो ये क्या है, नाउन है, जी मैम, बोट खरीदी है, क्या खरीदी है, कार, कार भी तो एक नाउन है, कार, कार किसी का नाम है ना, तो मैंने कहा कार भी एक नाउन है, आप गौर करने की बात वैसे ये नहीं कि बोट क्या है, बोट एक वर्ब है, ठीक है, फोर आपकी प्रपोजिशन है, अब तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा ना, फोर कनेक्टर है, कैटरीना के लिए खरीदी, अब ने कहा कैटरीना क्या है, कैटरीना किसी का नाम है, तो कैटरीना क्या हुई, नाउन हुई। अब याद करिए प्रोनाउन की डेफिनेशन, ये नाउन को रिप्लेस करता है, क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, बेटा करो रिप्लेस, नाउन को रिप्लेस करो, मैंने कहा सलमान तो एक आदमी है, लड़का है, ही, वर्ब को तो रिप्लेस नहीं करना, नहीं करना मैम, कार क्या है, चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या यूज करें, ही करें, शी करें, इट करें, हमने कहा इट को यूज करिए मैम, ठीक है कर लिया, फोर्थ तो हमारी प्रपोजिशन नहीं करेंगे, कैटरीना क्या है, शी है ना, शी होती है ना कैटरीना, अब गौर करिए शी होती है, पर हर क्यों लगाया फिर मैम, शी होती है तो, अभी तो बताया था जो काम को करता है वो सब्जेक्ट है, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट है, जिसके जिस पर काम को कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वैसे तो यहां पर हमारी इट है ऑब्जेक्ट, बट ध्यान रखिए कि प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, याद करिए अभी समझाया था ना, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन हमारा चार तरीके से काम कर सकता है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, और चौथा हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, अब यहां पर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, अब बताओ शी तो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, मेरी बात समझ में आई, ही बॉट इट फॉर हर, तो हमने पूरे नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से, अलग अलग प्रोनाउन से। अभी समझिएगा आज 12 सितंबर है, आज हमारे इंग्लिश की क्लास ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन का बैच जो आज शुरू हुआ है उसकी क्लास आज यूट्यूब पर है, कल से आपके ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन पे रहेगी जो कि आपने डाउनलोड कर रखा होगा, ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो समझने की बात ये है कि मैम हमें कैसे पता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, इतना तो यार बचपन में हम सीखे हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ, आए हमारा सब्जेक्टिव के, बी इसका ऑब्जेक्टिव केस, यू हमारा सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का हर होता है, वैसे तो ये छोटे बच्चों वाली बात है पर कोई दिक्कत नहीं है, इट का इट होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है और दे का देम होता है, टेंशन तो कहीं है नहीं, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, आई का मी, बस इतना ही है,
बस इतना ही केस है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, आसान है इतना, तो हम समझ जाएंगे सब्जेक्ट कब बनाना है। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस का करने वाला है तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज नहीं करते। चलो मैं आपसे आपको एक बात बताती हूँ, पहले उससे पहले आप मुझे ये सेंटेंस को थोड़ा सा बताएंगे, टेस्ट करेंगे अपने आप को, ताकि मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाऊँ। टेस्ट करिए अपने आप को, आई लाइक योर या फिर योर्स बैग बट यू डू नॉट लाइक माय, क्या गलती आपको नजर आ रही है? पहले तो अच्छा ये बताओ, ये ठीक है या ये ठीक है? आई लाइक योर बैग या योर्स बैग, बताओ, आई लाइक योर बैग या योर्स बैग, टेल मी गाइज। बोलो योर या योर्स। देखो क्लास को मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं चाहती, देखो बेसिक्स का क्या है कि हम 2-4-5 दिन में बेसिक्स को कंप्लीट कर लें, इनको नहीं जानते ना और फिर सीधा हम चैप्टर पे आ जाते हैं तो समस्या हो जाती है। अब ऐसा नहीं मैं कहूँगी 100% स्टूडेंट्स को समस्या हो जाती है, पर यार 50-60% को जरूर हो जाती है ना, इसलिए मैं बेसिक्स को नहीं छोड़ूंगी, बेसिक्स आपका रहेगा, बेसिक्स के बाद ही हम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, ज़्यादा दिन का नहीं होता, थोड़े 4-5 दिन में कवर हो जाता है, ठीक है। आपने कहा योर या योर्स, मैंने कहा आई लाइक योर या योर्स, आपने कहा योर मैम, यही कहा ना तुमने, योर्स ने, मैंने पूछा वाय, बताओ, ये तो ठीक है, ये तो बात मैं समझ गई कि योर आएगा, तुम ही कह रहे हो योर बैग आएगा, पर क्यों आएगा? मेरा सवाल तो ये है कि क्यों आएगा, रट्टा मार ले, देखने में सुंदर लग रहा, आई लाइक योर बैग, योर्स बैग मैम अच्छा नहीं लग रहा, कारण क्या है, रीजन क्या है, कारण जानता है कोई? कारण के नाम पे सब खामोश हो जाएंगे कि कारण तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि आई लाइक योर बैग होगा, हाँ। पर चलो मैं कारण भी बताऊंगी, उससे पहले आगे देख ले, बट यू डू नॉट लाइक माई, क्या ये ठीक है यहाँ पर? अब आप में से बहुत सारे लोगों का सेंटेंस होगा, आंसर होगा कि नहीं, थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा। अच्छा मैं कहूँ कि ठीक नहीं लग रहा तो फिर क्या लगाऊं इसकी जगह पर? फिर मुझे ये बता दो कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो ये बता दो, और ये भी बता दो कि क्यों, इस वाई के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वाई नहीं पता ना, वाई में परेशानी है, ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। वैसे तो खैर ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं नहीं कहूँगी कोई एडवांस सेक्शन, पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले देखिएगा ये वाला सारणी, पजेसिव एडजेक्टिव जिसमें अधिकार दिखाया जाता है, जैसे मैंने कहा माय कार, माय बैग, माय स्कूल, माय चेयर, देखिए आई का माय अधिकार, मैंने कहा यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी का आर, कहते हैं ना आर होम, हमारा घर। अगला देखिएगा यू का योर बुक, तुम्हारी किताब, मैंने कहा देयर, आई ऐड कर लीजिएगा दे देयर, मैंने कहा उनका। अब ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है आई का माइन, यू का योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स, ये जो एस लगा के दिया है ना ये प्रोनाउन है। समझ नहीं आई मैम बैठ, यही तो होता है हमारे साथ, हमें समझने की पता है क्या जरूरत है, ये पजेसिव प्रोनाउन है क्या? समझो पजेसिव प्रोनाउन होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। गौर करिए, मैंने कहा माय बैग इज इक्वल टू माइन, इज इक्वल टू माइन, माय क्या है, बैग क्या है, बैग है मैम नाउन, गौर करिएगा बात को, मैंने कहा बैग क्या है नाउन, माय क्या है, मैंने कहा मेरा बैग, तो बैग पर अधिकार किसका है, आपने कहा मेरा, तो मेरा क्या है, मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव, याद करिए क्या कहा, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या लिखता मैंने, माय बैग, माय बैग इज इक्वल टू माइन, मेरा। अब मैं कह दूं माइन बैग,
क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं मैम, क्योंकि माइन के अंदर ही माय बैग है. फिर से सुन लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन. मैंने कहा माय कार इज इक्वल टू माइन, ठीक है. मैंने कहा योर बैग, बताओ योर बैग कैसे करें? योर बैग का पजेसिव प्रोनाउन बताओ मुझे क्या होगा? आप कहेंगे मैम योर्स होगा. ये लो जी, हुआ. मैंने कहा योर बैग, योर क्या है? तुम्हारा, और बैग आपका, बैग पर अधिकार, बोला पजेसिव एडजेक्टिव. इस नाउन के बारे में एक विशेषता है कि किसका बैग? तुम्हारा बैग. तो योर बैग इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? योर्स. अभी मैंने खैर बताया, आर एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम कहते हैं आर बैग, ठीक है, आर बैग. मैंने कहा हमारा बैग, तो हमारा बैग मतलब आर्स. तो याद करिए, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है. माय प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, योर प्लस नाउन इज इक्वल टू योर्स. हिज का हिज ही रहता है, हर का हर, बैग हर्स, इट्स बैग. तो बोले इट्स ही यूज करते हैं प्रोनाउन में भी. आर बैग, हमने कहा आर्स, योर बैग, मैंने कहा योर्स, देयर, टी एच ई आई आर है ये, देयर का देयर बैग इज इक्वल टू देयर्स. बात समझ में आई? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को ही पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. अब आते हैं हम जिस सवाल को हमने छोड़ा था, और सवाल था मेरा आई लाइक योर बैग, आई लाइक योर बैग. अब आपको मुझे ये आंसर देना चाहिए था मैम, योर क्या है बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन. अब गौर करिए, बैग क्या है? आप कहेंगे नाउन, यही कहेंगे. प्रोनाउन क्या होता है? कैसा सवाल है, अरे बताओ ना यार, प्रोनाउन क्या होता है? भूल गई मैं, प्रोनाउन क्या होता है? मेरी वॉइस श्रीदेवी जैसी है या कंगना रनौत जैसी है, दिया मिर्जा जैसी है, उस चीज को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है. क्या मैं सही कह रही हूं? अरे बोलो हाँ, क्या मैं सही कह रही हूं? प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है या नाउन से पहले यूज होता है? बोलो बोलो, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है या प्रोनाउन नाउन से पहले यूज होता है? नाउन प्रोनाउन की जगह यूज होता है. चलो बहुत बढ़िया, इतना तो तुम्हें याद है ना. प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, और नाउन से पहले क्या आता है? अरे अभी सिखा के हटी हूं, किसी नाउन के बारे में जो कहता है वो एडजेक्टिव होता है. क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. तो गौर करके मुझे दिमाग लगाकर बस इतना बता दो कि ये बैग अगर नाउन है, ये बैग अगर नाउन है, तो इस नाउन से पहले क्या प्रोनाउन लगा सकते हैं? नाउन से पहले प्रोनाउन आ जाएगा, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आता है, नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आता है. तो गौर करिए बेटा, बैग से पहले, बैग एक नाउन है, इस नाउन के बारे में बताएगा एडजेक्टिव. तो बताओ मुझे योर लगाऊं या योर्स, क्योंकि योर्स तो प्रोनाउन है और हमारा योर एडजेक्टिव है. तो कौन सा वर्ड ठीक हुआ? योर. बात समझ में आई? बोलो हाँ. अगर हाँ बोलोगे, थम्स अप जितने लोग लाइव है ना, हर किसी का. देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, एफर्ट करती हूँ कि हाँ आप लोगों को समझा पाऊँ. खुद को नहीं समझा रही हूँ, खुद को तो मुझे आता है, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और शायद अपनी तरफ से पूरा 100% देती हूँ यार. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस 100% को एक्सेप्ट करते होंगे, और कुछ भी नहीं चाहती आपसे, बस एक थम्स अप जिससे बस आप मुझे मोटिवेट कर पाएं कि हाँ मैं समझा पा रही हूँ. क्लियर सभी को? आज के बाद किसी को मत कहना कि नहीं पता. अब पता है ना योर क्यों आया है, योर्स क्यों नहीं आएगा. अब आगे समझते हैं. नेक्स्ट सवाल है, बट यू डोंट लाइक माय. अब गौर करिए कि मैम ये माय यहां पर ठीक नहीं लग रहा, इस माय की जगह पर क्या लगा दे? भाई देखो, मैंने कहा फैट, मैंने कहा गुड, मैंने कहा ब्यूटीफुल, मैंने कहा टैरिफिक. तो आपके मन में एक सवाल पैदा होगा, ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल कहना चाहती हैं मैम, है ना? मैंने कहा गुड, क्या गुड? मैंने कहा बैड,
आपके मन में क्या बैड, मैंने कहा टैरिफिक, आपके मन में क्या टैरिफिक, मैंने कहा डेंजरस, क्या डेंजरस। तो ये जो बेचारे एडजेक्टिव होते हैं ना, ये अच्छा बुरा छोटा बड़ा, ये छोटा मैंने कहा स्मॉल, जैसे मेरे मुंह से निकला कि स्मॉल, तो आपके मन में आएगा स्मॉल क्या मैम। तो ये जो आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है ना, ये एडजेक्टिव के लिए हो रही है। मैंने कहा छोटा, तो आपने कहा छोटा क्या, तो बिना नाउन के, बिना किसी नाउन के एडजेक्टिव का कोई वैल्यू नहीं है, एडजेक्टिव का कोई वैल्यू नहीं है। तो गौर करिए, माय क्या है, पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ मुझे, माय क्या है, अभी बता के आई हूं, याद है ना क्या है माय, क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे हम कहते हैं माय कार, लिख के देख लो ना, जब भी एडजेक्टिव में परेशानी हो ना तो कुछ भी मत करना, क्या करना उसके आगे एक नाउन लिख के देख लेना, माय नहीं पता क्या है, नहीं पता ना कोई बात नहीं, माय पेन होता है, जी हाँ पेन क्या है नाउन है, नाउन से पहले जो आता है एडजेक्टिव है, ठीक है कर दिया एडजेक्टिव सिंपल, क्यों इतना लोड ले रहे हैं हम, नहीं ले रहे, माय तो हमारा एडजेक्टिव है, आप लोग भी यही कह रहे हैं क्या, आप भी मुझे यही कहना चाहते हैं कि माय एडजेक्टिव है, एग्जैक्टली मैम माय एडजेक्टिव है, और माय अकेला एडजेक्टिव का कोई अस्तित्व नहीं, अकेले एडजेक्टिव का कोई अस्तित्व नहीं, वो किसी को तो बताएगा, और वैसे भी हम कहें कि आई लाइक योर बैग बट यू डू नॉट लाइक माइन, हमने कहा तेरा बैग की कंपैरिजन मेरे बैग से हो रही है ना कि मुझसे हो रही है, ठीक है माय से नहीं हो रही, माय बैग से हो रही है, किससे हो रही है माय बैग, यहां पर लिखना चाहिए था हमें माय बैग, आई लाइक योर बैग, मुझे तुम्हारा बैग पसंद है, बट यू डू नॉट लाइक माई बैग, तुम्हें मेरा बैग पसंद नहीं है, ठीक है बैग बैग का कंपेरिजन हो रहा है ना। अब माई बैग को कैसे चेंज कर दूं बताओ, माई प्लस नाउन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन, और हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, माइन लिख सकते हैं, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर होती है, सबको बात मेरी समझ में आई, जी मैम किसी को कोई डाउट, मैम मेरा फर्स्ट क्लास है, जी आपका फर्स्ट क्लास है, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया, माइन क्यों लगा योर क्यों लगा, इस तरीके का कोई भी रट्टा आप नहीं मारेंगे, रट्टा मारना मेरी क्लास में मना है, और जिस प्रकार मैंने कहा रट्टा मारना मना है, तो फटाफट मुझे बता दो कि इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, जल्दी थोड़ा जल्दी करेंगे, बताइए सबसे पहले देखते हैं कौन बताएगा, महाकाल जी नो डाउट मैम पक्का, इट्स माय फर्स्ट क्लास, ओके बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप, थैंक यू सो मच, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ाती हूँ, मेरा तो डेली का काम ही है ऐसा, फर्स्ट क्लास मेरी भी फर्स्ट क्लास है, बहुत सारे लोगों की फर्स्ट क्लास है, क्या समझ में आ रहा है फिर तुम्हें, मेरा भी फर्स्ट क्लास है, ओफो नरेशन भी पढ़ा दीजिए मैम, सब पढ़ाएंगे भाई बैच के दौरान, ऑब्वियसली क्लास डेली होगी क्या, नहीं यूट्यूब पे डेली नहीं होती, यूट्यूब पे 3 दिन क्लास होती है, मंडे वानसडे एंड सैटरडे, ठीक है आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले ओशन गुरुकुल्स, अगर आपको मेरी पीडीएफ एंड यूट्यूब की नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए कि कब कब होती है, वैसे तो क्लियर है मंडे वानसडे और सैटरडे होती है, फिर भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल है इससे ज्वाइन कर लें, ठीक है क्लियर। कुछ सवाल पूछा है आपसे, आर स्टोक कैन इजली डिफीट योर इन अ रेस, जल्दी बताइए कि आंसर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है, सुनिए ध्यान से, देखिए आर स्टोक मैंने कहा हमारा डॉग है ना, तो आप डॉग को पहले तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, डॉग तो नाउन है, अब इस नाउन से पहले ये जो आर्स है ये तो मैम प्रोनाउन है, तो मैंने पूछा प्रोनाउन से, प्रोनाउन तुम काम क्या करते हो, इसने कहा मैं नाउन की जगह पर आता हूं, क्या करता हूं मैं नाउन की जगह पर आता हूं, तो हमने पूछा भाई तू नाउन से पहले तो नहीं आता ना, इसने कहा नहीं मैं नाउन की जगह पर आता हूँ, नाउन से पहले नहीं आता, नाउन से पहले आने का काम तो एडजेक्टिव का है, अच्छा जी तो हमने इससे कहा कि भाई तू प्रोनाउन यहां क्या कर रहा है, तू यहां से हट, तेरी जगह नहीं है ये, किसकी जगह है एडजेक्टिव की जगह है, तो आर्स को एडजेक्टिव में चेंज करा हमने, क्या बना दिया आर, इतनी बात क्लियर, अरे बोलो हाँ इतनी बात क्लियर, जी मैम आगे मैंने कहा आर्स डॉग, आर डॉग कैन इजीली डिफीट, हमारा कुत्ता आसानी से हरा सकता है, हमने कहा किसे योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारा क्या,
योर तो हमने कहा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का बिना किसी नाउन के कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है तो इसकी नाउन लाओ, इसकी नाउन क्या होगी, डॉग, यही तो कहना चाहते हैं हम, योर डॉग। और बताओ योर डॉग को कैसे लिखूं, योर प्लस डॉग पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन दैट इज योर्स। बताओ क्लियर मेरी बात या नहीं, बात क्लियर? यस मैम, योर्स, बहुत बढ़िया भाई, जिसने लिखा है मुस्कान, नवीन, पंकज, इकरार, लोटा गिलास, जिस जिसने लिखा है, बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। पैड बैच पेड है या फ्री है? बैच ऑब्वियसली पेड है, यूट्यूब पे तो फ्री है ना, यूट्यूब पे तो कोई पैसे नहीं लगते, यूट्यूब पे 3 दिन क्लास आपकी फ्री में लेती हूँ ना, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। आप परमानेंट मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि क्लासेस आपकी स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, वोकैबुलरी में आपको अगर दिक्कत है, ग्रामर में आपको दिक्कत है, बेसिकली मैं कहना चाहूँगी अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप सही जगह पर हैं। योर्स पक्का मीन्स समझ में आया, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिफ्लेक्स सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, यही एरर एग्जाम में आता है और दिमाग घूम जाता है। अब याद करिए, मैंने आपसे शुरू में एक सवाल पूछा था, वो भी कुछ ऐसा सही था, अब तो उसको बता पाएंगे ना आप? वैसे आज क्लास काफी लंबी हो गई है, तो हम ये सूरज और इसकी रोशनी कल पढ़ें, कल पढ़ें क्या, बताओ, या आज ही पढ़ें? आज भी पढ़ सकते हैं हम, अगर तुम कह दो तो आज ही पढ़ दें, और अगर तुम चाहो तो कल पढ़ लें। दूसरा हमारा प्रोनाउन है, अगर थम्स अप की संख्या ज्यादा तो आज ही पढ़ लेंगे, वरना तो फिर कल पढ़ लेंगे, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। सोनू यादव, अविनाश, वीरू सिंह, रुक्मणी, अशोक सब कह रहे हैं यस मैम, आज ही, आज ही, वेरी गुड, ओके। जो आज पढ़ना चाहता है वो थम्स अप भेज दे, वरना तो थम डाउन। आज ही, आज ही, क्यों आज क्या है ऐसा, टुडे, कोई थम डाउन क्यों नहीं कर रहा है, थम्स अप ही क्यों कर रहे हैं? आज ही सीखना है तो मुझे बताओ, आज ही सीखना है तो मैं आज भी सिखा दूंगी। बोर नहीं हो रहे तुम? ग्रामर पढ़ के तो बोर हो जाते हैं बच्चे, कमाल है यार। चलो नहीं, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, देखो चलो अगला और दे सीखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें ये तो बेचारा बहुत ही सीधा, बहुत सीधा, आपने रिफ्लेक्शन सुना होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन सुना होगा, साइंस पढ़ी है, सूरज का प्रकाश का अपवर्तन, राइट? तो रिफ्लेक्शन सूरज की किरण पड़ रही है, हमने कहा इस सरफेस पे पड़ रही है और टकरा के वापस ही आ रही है ना, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते थे, याद करिए, ध्यान से सुन लो अदरवाइज समझ नहीं आएगा। अब ये जो सूरज है ये है हमारा सब्जेक्ट, कौन है, सब्जेक्ट, ये काम कर रहा है ना। अब हमने कहा इसका एक्शन, अब ये रोशनी दे रहा है, ये रोशनी किसी सरफेस पर पड़ रही है और वापस आ रही है, तो हमने कहा सब्जेक्ट भी यही और एक्शन जो पड़ रहा है हमने कहा रिसीवर भी यही, ये सब्जेक्ट ही हमारा यहां पर लो ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट ही हमारा रिसीवर भी है। ध्यान करिए, जब हम कोई काम ऐसा करें कि जो जिसमें सब्जेक्ट भी हमें, ऑब्जेक्ट भी हमें, प्रभाव भी हम पे पड़ रहा है, मैंने मेरे हाथ की नस काट ली, काटी नहीं मैंने ना, मैंने मेरे हाथ की नस काट ली, अरे मजाक कर रही हूं, काफी गंदा एग्जाम्पल है ना, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं वो ऐसा ही लेना पड़ेगा मुझे, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, ही किल्ड हिम, इसका मतलब हुआ कि उसने उसको मार दिया। अब मैंने कहा उसने उसको तो नहीं मारा, उसने खुद को मारा, अब ये क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम का डूअर है ना, रिसीवर कौन है, कोई और पर्सन है ना, ये राम है वो श्याम है, हमने कहा ये हिम है ना, ये कोई और है और ही कोई और है, उसने उसको मार डाला, वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, और अगर इसने फांसी लगाई हो, सुसाइड करियो, तो क्या कहें, ही किल्ड हिम, नहीं कह सकते, फिर हम कहते हैं ही किल्ड हिमसेल्फ, क्या कहते हैं, ही किल्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद,
हिमसेल्फ मतलब खुद, और इसे ही आप कहते हैं जब आपका सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो, जब आपका डूअर ही उसका रिफ्लेक्टर हो, हमने कहा उसका रिसीवर हो, आपका डूअर और रिसीवर एक ही पर्सन हो, तो ऐसे केस में कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? रिफ्लेक्शन, एकदम है ना, मिरर का रिफ्लेक्शन होता है ना, सामने दिखते हो आप, वही वाला है ना। अब समझिएगा, अब इसमें क्या लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, समझे जरा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये, अच्छा आगे आपकी सीरीज मिलेगी शायद, ये रही। माय के लिए माय सेल्फ, जैसे आई माय सेल्फ, सिर्फ सेल्फ वर्ड लगाना है। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, शी के लिए इट के लिए इट सेल्फ, आर के लिए आर सेल्फ, सेल्फ मतलब प्लूरल को सिंगुलेट प्लूरल इंडिकेट करता है। मैंने कहा योर सेल्फ, मैंने कहा देम सेल्फ। गौर करा आपने, ये जो सेल्फ और सेल्फ की कहानी है इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम समझते हैं कहाँ थे हम, ये लो देखो। अब मैंने कहा शी, शी हर्ट हर सेल्फ, क्या मतलब है इसका? उसने खुद को ही हर्ट कर लिया, खुद को ही किया। अब मुझे बताइए क्या सब्जेक्ट ही रिसीवर है? जो शी है वही हर सेल्फ है, एग्जैक्टली मैम। तो गौर करिएगा बच्चे, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या बन सकता है? सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट बन सकता है। वो बात अलग है कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखिएगा, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, जिसका मतलब क्या है? उन्होंने खूब इंजॉय किया पार्टी में, उन्होंने खुद ही इंजॉय किया या दूसरे को तो नहीं करने दिया, उन्होंने खुद को खुद इंजॉय किया है। तो हमने कहा दे के लिए आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया और उसका क्या मतलब है? देमसेल्व्स। बात मेरी समझ में आई? जब डूअर ही रिसीवर हो, जब डूअर ही रिसीवर हो तो कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतना आसान और हल्के में मत लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में ध्यान ही नहीं रहता यही है या नहीं है। चलो अगर तुम्हें ध्यान रहता है तो फिर मुझे ये वाला बताओ, ये वाला एरर बताओ मुझे, इसके अंदर कोई गड़बड़ है क्या? आई कांट पुट मी इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू, मैं डेंजर में अपने आप को नहीं रख सकता क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कम जानता हूँ, मतलब मैं तुम्हें जानते ही क्यों, तुम्हारी वजह से मैं क्यों डेंजर में आऊँ? बताना जरा, एक बार जल्दी से सेंटेंस को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या ये सेंटेंस ठीक है। आई कांट पुट मी इन डेंजर, कोई बताएगा सबसे पहले? वो 1 करोड़ रुपए जीत जाएगा फिर आज, जो बता देगा। आपका स्टूडियो कहाँ है? रॉयल आर्मी जी, स्टूडियो इंदौर है। मैम आपका, मैम मेरा नाम ले लो एक बार प्लीज, नाम ही तेरा अजीब है, मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई। मैं नहीं कह रही हूँ उसका नाम है, मैं शायर तो नहीं, बताना जरा। वाओ, इस बार तुमने इतने अच्छे आंसर कैसे दे दिए। मायसेल्फ लगाने की मुझे सलाह दी जा रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, पर मुझे बताइए क्या मायसेल्फ, कहाँ लगाऊं मायसेल्फ, किसकी जगह पर लगाऊं मायसेल्फ? तुम्हें सबको आ गया क्या मायसेल्फ? जी हाँ, आई कांट पुट मी इन डेंजर, मी नहीं आएगा, मायसेल्फ आएगा। क्यों आएगा मैम? रट्टा मान लो भाई, देखो मैं खुद को, मैं मुझे डेंजर में नहीं रख सकता। अब मुझे बताइए अगर आप सिर्फ ये पढ़ते आई कांट पुट मी, मैं मुझे नहीं रख सकता, क्या आई और मी दोनों एक ही बंदा है? क्या आई और मी एक ही बंदा है? उसने कहा आई कांट पुट, मैं रख नहीं सकता। हमने कहा किसे बोला? मुझे, मैं मुझे नहीं रख सकता। तो जब सब्जेक्ट का रिसीवर, डूअर और रिसीवर, हमने कहा उसका प्रभाव उसी पे ही पड़ रहा है, तो यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, और माय की जगह पर आपने यूज करा माय सेल्फ। और अगर मैं आपको बात समझाने में योग्य हुई हूं तो एक बार मुझे और भी थम्स अप भेज सकते हैं। यस मैम, आई और मी दोनों एक ही पर्सन, करने वाला वो, और डेंजर में भी कौन आ रहा है? खुद ही डेंजर में आ रहा है और खुद ही ला रहा है। मैं खुद को डेंजर में ले जा सकता, तो खुद, हमने कहा माई सेल्फ जब डूअर और रिसीवर सेम हो। बात क्लियर यहां तक सबको? मेरी बात यहां तक क्लियर होती है जी? अब आगे भी पढ़ें या फिर छोड़ दें? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कल पढ़े, विराट और अनुष्का के बारे में हम पढ़ेंगे कल, ठीक है? ईच अदर रेसिप्रोकल, जैसे उसका नाम है ना रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टा।
मैंने आपको हेलो कहा, आपने मुझे हेलो कहा, इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा, आपने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। ये हो गया हमारा अनुष्का और विराट एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने कहा एक विराट एक अनुष्का, वो उससे प्यार करती। जब आपस में ना ऐसे वाला रिलेशन हो, एक सिंगल टू सिंगल है ना, एक एक, तो ईच अदर का यूज किया जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसमें वन अनदर का, वैसे हम इसे कल पढ़ेंगे पर फिर भी मैं बता दूं, वन अनदर यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो दे विल, यहां पर ये बहुत सारे लोग थे, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। तो इसने ना इसको भी हैप्पी दिवाली बोला, फिर इसने इसको बोला, फिर इसने इसको बोला, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, मतलब कि ये बहुत सारे लोग हैं। दो नहीं है, विराट और अनुष्का तो दो ही हैं। विराट अनुष्का से प्यार करता है, अनुष्का विराट से प्यार करती है, वो दो लोग हैं, बात खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं ईच अदर का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं वन अदर क्या है मैम, वन अदर क्या होता है, वन अनदर, ये और ये। अब देखो ए बी सी, ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने ए को बोला, और ये चक्री घुमा दी। ये देखो ये दिवाली विश कर रहे हैं सब लोग, इसने इसको, इसने इसको, तो वन टू मैनी का रिलेशन यहां पर हो जाता है। इसे कहते हैं वन अनदर, ईच अदर सिर्फ दो का, ए और बी का ऐसे। बात क्लियर मेरी? तो ये वाले सेंटेंस में क्या आना चाहिए, वन अनदर आना चाहिए या ईच अदर, वन अनदर या ईच अदर? चलो कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी नहीं पढ़ाती हूँ, बस मैंने शॉर्ट में पढ़ा दिया। कल इसको डिटेल में फिर से सीखेंगे और कल हम आपको मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स पर, ठीक है? आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी हो अगर, तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं उन पर आप ले सकते हैं। 12 सितंबर मीन्स आज से मेरा बैच शुरू हुआ है, जिसमें एक क्लास ग्रामर का, एक अलग से बैच है वोकैबुलरी, दो क्लास रहेंगी डेली, एक क्लास वोकैबुलरी की, एक ग्रामर की, ठीक है? इसके अलावा और भी मेरे बैचेज हैं स्पोकन इंग्लिश के भी, आप ले सकते हैं। और ये आप सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कमी हम में रह गई है आगे किसी टीचर को, पांचवी क्लास की बात जो मैंने आज आपको सिखाई वो छोटे बच्चों की बात है, बड़ों की नहीं है। इसको हर्ट भी मत करना अपने आप को कि मैम छोटे बच्चों का, भाई जब हमने बचपन में नहीं सीखा है इसलिए तो हमें बड़े होके सीखना पड़ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? छोटों को ही हम आज तो नहीं सीख पाए, चलो हम, मैंने आपको सिखा दिया कि बेसिक चीज़ें भी हम सीखेंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन ऐसी ना हो, तो उसके लिए ओशन गुरुकुल्स ने एक स्टेप उठाया है कि वो ओशन किड्स की शुरुआत की है, जिसका एक पैच तो आपके प्यार और सहयोग से 5 सितंबर को सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट पैच हमने 15 सितंबर, इसमें सिर्फ 20-20 बच्चों के बैच रखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बैचेस की जगह 1000-2000 बच्चे, ऐसा नहीं है। इसमें 20 बच्चे रहते हैं, जूम मीट से जुड़ते हैं, उनकी टीचर रहती है और 20 स्टूडेंट्स को फोकस किया जाता है। अगर आपके आसपास भी आपके भाई बहन छोटे कोई भी हो सकता है तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है? किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे ऐप कॉल कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां पर इस पीडीएफ को मैं अभी सेंड कर देती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल तो पता है सुमन इंग्लिश, इसे ज्वाइन कर लो, ओके? इसको ज्वाइन कर लो, यहां पर इस पीडीएफ को अभी भेज देती हूँ मैं, ओके? आज की क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल सुमन इंग्लिश पर अभी भेज देती हूँ, फाइन? आप मुझे बताओ क्लास कैसी लगी, आपने पूरी क्लास देखी? ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया अभी ना, कल पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल भी कल पढ़ेंगे और फिर आगे के प्रोनाउन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? कैसी रही क्लास, कैसी रही? मुझे तो बहुत मजा आया, आपको कैसा लगा? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं कल से 1.5 घंटा क्लास नहीं रहेगी यार, वहाँ पर वो कैब भी रहती है ग्रामर भी, तो वो टोटल ही 1.5-2 घंटे की क्लास रहती है। ऑलरेडी ज्वाइंट हूँ मैम, ओके मुझे पता है, फिर तो आप मैम 1 करोड़ रुपए कमा लेती हो, मेरे पैसे पे नज़र क्यों डाल रहा? तू बढ़ाएगा और आगे बढ़ जिंदगी में, मुझसे ज़्यादा कमा। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, थैंक्स अ मिलियन मैम। मैम 11,000 क्या, 11,000 मैं समझी नहीं, 11,000 क्या होता मैम? ऑलरेडी इन, आई एम ऑलरेडी इन योर बैच, आई एम ऑलरेडी इन योर बैच। हाँ हाँ, आप सबने ज्वाइन कर रखा है, आई नो, इसीलिए आज संख्या भी ज़्यादा थी, ये भी मैं जानती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि पेड क्लास के जो आज जो बैच शुरू हो रहा वही बच्चे यहाँ पर अटैच होंगे। कल आगे, हाँ आगे पढ़ेंगे कल, थैंक्स मैम, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक सीखा, डिटेल में पढ़ेंगे कल।
ठीक है, मेरा भी नाम ले लो, ले लेंगे 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 सत्यम जी। ठीक है, अपने दिल को संभाल कर अपने पास रखिए, एक ही तो दिल है, किस किस को दोगे, कहाँ कहाँ देते आए हो, बचा भी है या नहीं अब। योर क्लास वॉज अमेजिंग, हाउ इज योर क्लास, बस इतना तो बता दो, 2 मिनट तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। सुपर थी मैम, थैंक यू शिवम, थैंक यू के ब्लॉग्स जी, शुभम थैंक यू सो मच, विकास, पुरुषोत्तम, पृथ्वी, प्रियांशु, गोविंद, थैंक यू सो मच, थैंक्स मैम, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप सबको भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। मैं 1 करोड़ रुपए जीत गया हूँ। हाँ, 1 करोड़ रुपए भेज दे, सुपर क्लास थी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, आप लोग इतना प्यार देते हैं, मैं आप लोग मेरी क्लास को शेयर भी बहुत करते हैं, और मतलब बहुत सारे लोग, अब तो मैं जाती भी हूँ तो लोग पहचान जाते हैं सुमन मैम जा रही है, डेट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी अजीब भी हो जाता है। लगता है मास्क हमेशा पहन के रहूँ। खैर नहीं, खैर उसको अच्छी चीज़ कहूँगी मैं, बुरी नहीं, क्योंकि नाम कमाना ना दिया तो नाम होता है या बदनाम होता है, तो नाम होता है तो अच्छा है, बदनाम भी खैर नाम से भी अच्छा है, खैर कोई बात नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं हूँ, आपके इतने सारे प्यार और सहयोग के लिए बहुत 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 थैंक यू, दिल से थैंक यू, आप मेरी क्लास को, मुझे, मेरे कंटेंट को शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़, कल हम आपको क्लास में मिलेंगे, और प्रोनाउन को, प्रोनाउन से शुरू करें, चलो देखते हैं, प्रोनाउन से ही करेंगे बैच को शुरू, और कल से पढ़ेंगे, ठीक है, बाय बाय। आई एम फ्रॉम नेपाल, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।